हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज जिनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, और मतलब के विंटर्स में जो है ना वो फटे फटे से नहीं हो जाते, वो करंट मार रहे होते हैं बाल, उनके उस तरह के बाल हैं, या आपके विंटर्स में इस तरह से बाल हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, और मॉइस्चर कम होता है इस वजह से आपके जो बाल हैं वो उस तरह के हो जाते हैं। और आपके बाल अगर फ्रिजी हैं और अगर आपके बाल थोड़े से वेवी भी हैं और मतलब स्ट्रेटन नहीं है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छा हेयर केराटिन मास्क है, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, महंगा तरीन मास्क खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो यूज़ करने से आपके बाल स्ट्रेट भी होंगे, आपकी फ्रिजनेस भी चली जाएगी, और आपके बाल जो मतलब वॉल्यूमाइज नहीं होते, वॉल्यूम उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। केराटिन मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोकोनट मिल्क, और सेकंड इंग्रेडिएंट है कोकोनट क्रीम। ठीक है जी, तो आपको जैसे कि पता है कोकोनट क्रीम और कोकोनट मिल्क जो है बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, और जैसे कोकोनट भी बहुत अच्छा होता है, कोकोनट मिल्क से हमारे बाल जो हैं स्ट्रेटन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट मिल्क जो है अमेरिकन गार्डन का लिया है, और श्योर जो है कंपनी उसका मैंने यहाँ पे कोकोनट क्रीम लिया है। ये दोनों आपको जो है nahi.pk से मिल जाएंगे इजीली, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मैं इनके प्राइजेस भी बताऊँगी आपको। तो अभी हम पहले ये एक मास्क बनाते हैं, तो मैं 2 स्पून के करीब जो है कोकोनट क्रीम ले रही हूँ। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लो जितनी आपकी लेंथ है, क्योंकि हमें पूरे लेंथ पर लगानी है, मेरे बाल थोड़े से शॉर्ट हैं तो इसलिए मैंने कम लिया है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लोगे, लेकिन जितनी क्वान्टिटी आप क्रीम की लोगे उतनी ही क्वांटिटी आप मिल्क की भी लोगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पैक मिल्क लिया है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसका मिल्क बना भी सकते हैं कोकोनट का, लेकिन वो मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ नेचुरली, और फिर आप उसको स्टोर भी कर नहीं रख सकते, तो फ़ायदा नहीं है। आप कोई 3 पैक ही ले लो, ये काफ़ी अच्छा होता है और रिजनेबल भी है। तो फिर इन दोनों को जो है मैंने मिला लिया है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा मास्क हो जाता है रेडी। और फिर यहाँ पर मेरे बाल आप देखें कि थोड़े से मेरे बाल थोड़े से फ्रिजीनेस है, वैसे मेरे बालों में काफ़ी वॉल्यूम है क्योंकि मैं ये अप्लाई करती रहती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर अपने बालों में लगा कर दिखाऊँगी। तो मैं अपने बालों को जो है पार्टीशन कर लूँगी, आपको पूरी लेंथ पर लगाना है अपने, इसलिए बहुत अच्छी तरह से लगाना है। तो मैं यहाँ पर पार्टीशन कर लूँगी अपनी लेंथ को। और गाइस, इसका ये ख्याल रखिएगा कि आपको जब भी मतलब ये मास्क लगाओ तो अपने बाल जो हैं खुले रखना है, आपको कैचर नहीं करना है। यहाँ पे जो है मैंने हाफ जो पार्टीशन लिया था उसको मैं पहले अपने बालों को बिल्कुल सीधा कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल सीधे ही रहें, और हाथों से मतलब मैं इसको सुलझा लूँगी जो उलझे हुए होंगे मेरे बाल। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे मैं मास्क लेती हूँ, हाथ की मदद से मैं लगाऊंगी। तो कैमरे में लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने बस थोड़ा सा ही मतलब क्लिप यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि मैं खुद से जो है ना सही से लगा नहीं पा रही थी मास्क, और बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो खैर, मैंने यहाँ पर लगा लिया है। आपको इसको इस तरह से प्रेस करना है लगा के, ताकि आपकी जो है ना बालों की जड़ों तक में चल जाए और आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएँ। ठीक है, और जब आप इसको करोगे तो आप यहाँ पे खुद देखोगे कि आपको मेरे बाल कितने स्ट्रेट हो गए हैं ये मास्क लगा के, और ये मास्क जो है ना बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरह से। और यहाँ देखिए, मैंने पूरे बालों में लगा लिया है, और मैंने अपने बालों को फिंगर की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं ज़रा फजूल एक्टिंग कर रही थी, मेरा मतलब यही था कि बालों को बांधना नहीं है, खुला रखना है। तो इग्नोर दैट, आपको पता है मैं कैमरे के सामने शशके ज़्यादा ही मारती हूँ। तो फिर हम वेट करते हैं, और यहाँ पे मैं ये आपको दिखा रही थी कि ये थोड़ा सा ड्राई होने के बाद आपके बालों के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, और आपके बाल थोड़े से कड़क कड़क हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको क्लिप दिखा रही हूँ जब मैंने अपने बाल वॉश कर लिए थे, और अब आप देखें ये कितने स्मूथ हो गए हैं, और काफ़ी मतलब स्ट्रेट भी हो गए हैं, वॉल्यूम भी आ गया है ठीक है बालों में, और ये सुपर 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 सॉफ्ट हो गए थे मेरे बाल इसको लगाने के बाद। ठीक है, तो अगर आप इसको वीक में 1 से 2 टाइम लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके बालों के लिए। सो गाइज, बिफोर लिविंग माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्स्ट, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, इसको ट्राई करो, बहुत अच्छी है ये। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज़।